क्या पूछना है बताओ। हाँ, नमस्ते वर्ल्ड, हम बलराम किसान हैं और आप एक किसान पाठशाला पर। आज हम हैं मडागास्कर में अंतनाना रिवो, और यहाँ की जो एग्रीकल्चर में ये जो कैबेज फ्लावर में इल के कारण, जो पेस्ट के कारण डिसीज आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, उसको दूर करने के लिए हम आए हैं मिट्टी का स्प्रे और वाइसेनोमेटा डेवलप करने के लिए। फार्मर की जो नीड है ना, कि अगर हम उत्पादन ले रहे हैं तो उसको सिक्योर्ड कैसे करें, उसको सही कैसे करें बिना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के, तो उसी के खेत की मिट्टी, जैसे जस्ट लाइक मैं दिखाऊँ, आप इनको बतलाइएगा कि ये जो पोर्शन है ये ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। जैसे ये जो बैरल है ये 5 लीटर की है, तो इसमें जस्ट 500 ग्राम मिट्टी लेना है, घोलना है, 50 ग्राम वाइसेनोमेटा लेना है, इसको 2 दिन रखना है और इनके ऊपर स्प्रे करना है, जो अभी हम करके इनको दिखाएंगे। तो ये जो बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां कटेगी। आप इनको बताइए, जस्ट खेत की मिट्टी अभी बोला पंप तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे नहीं है, घर पे है। इससे करेंगे ना, ये जो झारा है आफकले, इससे अभी डेमो करके दिखाएंगे आफकले, इसे ना मेरकम यू प्रैक्टिकल हो जाएगा, बाद में ये खुद कर सकते तो हैं। अभी इसका तो टाइम 2 दिन का है ना, आपने बोला 2 दिन रखना पड़ेगा। इनको डेमो करके दिखाते हैं, जो हमने पुराना पेस्ट बनाया था वो अभी इसमें साथ में चले जाएगा, बाद में ये कंटिन्यू ये कर लेंगे। इनको सिखा देते हैं कि मिट्टी का स्प्रे करना कैसे है, फिर ये खुद कर लेंगे। सर का नाम क्या है और कब से खेती कर रहे हैं? इनका नाम है। और ये खेती कब से कर रहे हैं ये सब्जी की? चालीस साल से कर रहे हैं। इसमें इनको खाद और दवाई लगती ही है, और ये मिट्टी का स्प्रे आज अगर सीखते हैं तो शायद इनकी खाद और दवाई जीरो हो जाएगी। Okay.